हाय गाइस, इस लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि जब हम फिजिक्स पढ़ते समय कुछ हिंड्रेंस आते हैं उनको हम किस तरह रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, जैसे कभी एंगल आ गया साइन 75 लाइक डैट, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, लेकिन हमने अभी तक स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े हैं, उनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की पढ़ी है, जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60, 90, लेकिन ये एंगल कुछ अलग हैं, 15, 22 एंड हाफ। फिर इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फिर जैसे ये एक एंगल, एक इक्वेशन है हमारा, y1 इज़ साइन थीटा, y2 इज़ साइन 3 थीटा, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, y1 प्लस y2। फिजिक्स में हमारा थीटा एक्चुअली ओमेगा टी फॉर्म में रहता है, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। तो वहाँ जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ थीटा कम ही दिखेगा, ज़्यादातर ओमेगा टी रहेगा। तो इनको हम किस तरह ऐड करेंगे? फिर अब अगर ये कंबाइन फॉर्म में हो, मल्टीपल फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस, साइन साइन, कॉस कॉस, लाइक दैट, उनको हम किस तरह ब्रेक करेंगे? रूट में 1 प्लस साइन थीटा है, रूट में 1 प्लस कॉस थीटा है, और मुझे इस रूट को हटाना है और एक्सप्रेशन विदाउट रूट रूट फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह करेंगे? और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, साइन ए साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, या ए साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, ए कॉस थीटा है प्लस बी कॉस थीटा है, कुछ भी हो सकता है, इनको हम किस तरह कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन में लाएंगे, साइन या कॉस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये इस लेक्चर का आज हमारा टारगेट है, और इस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला देखेंगे। तो चलो एक एक करके इस हिंड्रेंस को दूर करते हैं और उस फॉर्मूला को जानते हैं जो ज़्यादातर हम अपने फिजिक्स में यूज़ करेंगे। तो हम लोग का पहला हिंड्रेंस था कि अगर साइन हमारा 75 डिग्री हो या साइन 15 डिग्री हो तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालें, राइट? तो इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये है, दैट इज़ एडिशन ऑफ एंगल, दैट इज़ ए प्लस बी एडिशन ऑफ एंगल या सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल। और यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ भी हो सकती है, साइन कॉस टेन, राइट गाइस? तो इसका ये फॉर्मूला है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। मींस अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। इसी तरह अगर हमारा कॉस है तो कॉस में हम ध्यान रखेंगे कि अगर कॉस ए प्लस माइनस बी है तो यहाँ पे हमारा दोनों टर्म कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, माइनस प्लस साइन ए साइन बी। कॉस के टर्म में अगर यहाँ प्लस है तो हमारा यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और अपना तीसरा दैट इज टैन ए प्लस बी या ए प्लस माइनस बी, ये होगा टैन ए प्लस माइनस टैन बी और डिवाइडेड बाय वन माइनस प्लस टैन ए टैन बी। सेम थॉट, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लेकिन यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस होगा। तो ये एक पहला था फॉर्मूला, और इसको हम लोग किस तरह अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखते हैं। कोई भी साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, टैन निकालना हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट हमारा यही होगा कि हम साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। अब ये हो गया इस तरह साइन ए प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे साइन, क्योंकि 45 और 30 हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे पता है, तो हम लिख सकते हैं साइन 45
कॉस 30 प्लस है तो प्लस ही, प्लस साइन 30 कॉस 45, राइट ये लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉस 45 और साइन 45 की सेम वैल्यू है इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये लिखेंगे साइन 1/√2 और कॉस 30 आपको पता है √3/2, साइन 30 हाफ और ये होता है 1/√2, तो इनको ऐड करा तो ये आ गया √3+1/√2, राइट गाइस। इसी तरह अगर हम साइन 15 को देखें तो साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 − 30, राइट। अब यहाँ हम साइन ए माइनस साइन बी लगाएंगे, यानी नीचे वाला लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 एंड साइन 32, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3−1/√2, राइट गाइस। तो ये पहला था फॉर्मूला जो हम लोग देखेंगे, न कि साइन, या हम किसी पे भी लगा सकते हैं, हम कॉस 45+30 लिख सकते हैं या टैन 45+30 अगर 75 की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरह लिख के हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट गाइस। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने फिजिक्स में, तो चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट हिंड्रेंस हम लोग का है, अगर वैल्यू हमें निकालनी है साइन 22½ की, हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, या अगर रूट में हमारा 1+sin θ है, या रूट में 1+cos θ है, तो हम इसकी इसके रूट्स को कैसे रिमूव करेंगे, राइट गाइस। तो इसके लिए हम दो जो फॉर्मूला है वो हाफ एंगल होता है, दैट इज़ साइन 2θ इज इक्वल टू 2sin θ कॉस थीटा। हाफ एंगल इसलिए है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ θ/2 होगा, यहाँ θ/2 है तो यहाँ θ/4, यहाँ भी θ/4, यहाँ अगर 4θ है तो यहाँ 2θ, यहाँ 2θ, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला, राइट। सिमिलरली हम लिखेंगे कॉस 2θ, ये हो जाता है हमारा, इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, दैट इज़ 2cos²θ − 1 − 2sin²θ, और फिर होता है cos²θ − sin²θ, ये हमारा हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। सेम थॉट, यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पे होगा। सिमिलरली tan थीटा की भी देख लेते हैं, दैट इज़ tan 2θ इज इक्वल टू 2tan θ upon 1 − tan²θ, राइट गाइस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, हाफ एंगल ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा हमारा 3θ का भी फॉर्मूला होता है, दैट इज़ साइन 3θ इज इक्वल टू होता है 3sin θ − 4sin³θ, और कॉस का भी होता है, दैट इज़ कॉस 3θ इज इक्वल टू 4cos³θ − 3cos θ। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं लेकिन इसके हम लोग कम ही यूज़ करते हैं हमारे फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम ये साइन 22½ की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब आप ये देखो 22½ हाफ किसका है, 45 डिग्री का, तो
हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, कॉस 2 थीटा मींस कॉस वाले हाफ एंगल फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करेंगे। तो बिकॉज मुझे साइन चाहिए तो साइन ये वाली इक्वेशन लेंगे, अगर कॉस 22 एंड हाफ चाहिए तो ये लेंगे, तो मुझे साइन चाहिए तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉस 45 को हम लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 22 एंड हाफ, और इसको फिर हम लोग डबल एंगल से ओपन करते हैं, ये लिखते हैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ। अब इसको हम x ले लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, तो और इसको हम 1/√2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 और ये लिख देते हैं 1 माइनस 2x स्क्वायर। राइट गाइस, तो ये हो गया हमारा, और 2 स्क्वायर हम इधर ले आते हैं और इसको लिखते हैं 1 माइनस 1/√2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नीचे कर लेंगे, ये रूट टू हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 और रूट टू से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, तो 2 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई 4। माइनस हो नहीं सकता क्योंकि आप देखो 22 एंड हाफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव हैं, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया और x हमारा साइन 22 एंड हाफ है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी साइन 22 एंड हाफ की। ये हाफ एंगल का यूज़ है, इसी तरह हम यहाँ भी अगर टैन 22 एंड हाफ निकाल सकते तो यहाँ निकाल लेंगे, नहीं तो जब साइन हमारा 22 एंड हाफ पता है मुझे तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा था। राइट गाइस, तो अब हम देखते हैं कि हाफ एंगल का यूज़ हम ये दो एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं। ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन हमारे फिजिक्स पढ़ते समय कई बार आता है और हमें यहाँ पे ये रूट निकालना होता है, तो ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे इसका रूट निकालते हैं। सिंपल लॉजिक है, एक ही बार समझना है इसे। हम यहाँ पे देखेंगे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम हाफ एंगल ब्रेक करेंगे और 1 को हम लिखेंगे क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन जो हाफ एंगल है ये एंगल को हाफ करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या हो गया हमारा 1, और जो है हम साइन थीटा को हम हाफ एंगल ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब आप ये देखो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट में, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस भी होगा तब भी हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, अगर ऐसे रहा है माइनस, अगर ये माइनस साइन रहा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, और इस समय हम लिखेंगे दैट इज साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2। राइट, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, सिमिलरली यहाँ पे हमारा भी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, अगर हमारा यहाँ पे अगर आप देखो प्लस होगा तो हम इस रूट को कैसे निकालेंगे, हम वही कॉस थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं पहले, तो अब यहाँ पे हमारा 1 को हमारा मेन टारगेट है कैंसिल करना, तो अगर हाफ एंगल को हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, हम कौन सा यूज़ करेंगे जिसमें माइनस 1 आता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल किया इसका फॉर्मूला लगा, ये 1 1 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2।
इसी तरह अगर ये माइनस में हो तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तब हमें वन कैंसिल करना है तो साइन वाला जो फॉर्म है वो लगाएंगे, दैट इज़ माइनस, यहाँ लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वन वन कैंसिल तो ये हो जाएगा रूट टू साइन थीटा बाई टू, दैट इज थीटा बाई टू, राइट गाइस। तो इस तरह हम रूट को हम एलिमिनेट करते हैं बाई अप्लाइंग हाफ एंगल फॉर्मूला। चलो तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, इनको मुझे ऐड करना है, मींस ऐड करके मुझे प्रोडक्ट में चेंज करना है, मींस एडिशन से मुझे ऐड से कहाँ लाना है, प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन लाना है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है एडिशन में। ऐसी कंडीशन में हम किस तरह इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं वो देखें, मींस हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन निकालना है वाई जो इन दोनों को ऐड करके इस तरह आए वो प्रोडक्ट में आए, ये कुछ भी हो सकता है, थीटा फोर थीटा थीटा है ना, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है ये। तो आपने यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह लाना है एक्सप्रेशन, ये वाई दे रखा है, इसको हमें दो एक्सप्रेशन में चेंज करना है, मींस मुझे y को क्या लिखना है, एक y1 प्लस y2 इस फॉर्म में मुझे चेंज करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक यूज़ करेंगे, दैट इज़ ये मुझे याद होना चाहिए, दैट इज़ साइन c प्लस साइन d, इसी तरह यूज़ होता है हमारा साइन c माइनस साइन d, इसी तरह यूज़ होगा cos c प्लस cos d, और फिर होगा cos c माइनस cos t, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, साइन साइन माइनस हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखो अगर प्लस होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन लिखेंगे, दैट इज़ साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई टू इंटू cos c माइनस t डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ अगर माइनस है साइन में तो पहले हमारा cos आ जाता है, दैट इज़ टू cos c प्लस t बाई टू इंटू साइन सी माइनस टी बाई टू, और ये जब कॉस प्लस है तो यहाँ पे हमारा दोनों रहेगा कॉस के टर्म्स, दैट इज़ टू कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टी बाई टू। अब यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपने याद रखना है, यहाँ पे तो या आप सी माइनस डी लिख रहे हो तो आपने यहाँ पे माइनस पहले ले आना है और उसके बाद फिर लिखना है, ये हमारा हो जाएगा, अब माइनस है तो यहाँ साइन होगा, दैट इज साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर ये माइनस आपने यहाँ पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप डी माइनस सी कर दोगे, राइट। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके दो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उनको ऐड हम करते हैं। तो अगर आप यहाँ से आप देखो तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दैट इज़ टू साइन, अब सी की जगह थीटा है, प्लस थ्री थीटा बाई टू इन इंटू साइन आपका कॉस सी माइनस डी बाई टू, दैट इज थीटा माइनस थ्री थीटा बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दैट इज टू फोर थीटा डिवाइडेड बाई दिस, तो टू हो गया, ये टू थीटा हो गया, और ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस टू थीटा हुआ डिवाइडेड बाई आपने टू किया तो थीटा बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस थीटा। यानी इस ये दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करके यहाँ पे ये लिख दिया और ये एक्सप्रेशन हमारा ये आया, राइट गाइस। अब यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ टू होगा तो यहाँ भी टू होगा, यहाँ वन होगा वन है तो यहाँ भी वन है, यहाँ फोर हो तो यहाँ भी फोर है, तो दोनों के यहाँ पे जो कोफिशियंट हैं वो सेम है एक तरीके से, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दोनों के कोफिशियंट सेम नहीं होंगे तब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है,
और प्रोडक्ट को किस में हमें चेंज करना है, एडिशन में। तो इसके भी फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं, याद करने का तरीका आपको होना चाहिए, जैसे टू साइन ए कॉस बी। आप हमेशा याद रखो साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी तो आने ही आना है। अब साइन ए प्लस कॉस बी है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, आप यहाँ पे ऐड करोगे दैट इज साइन ए माइनस बी। आप अगर थोड़ा सा विजुलाइज करो तो यहाँ पे आपको आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी माइनस, तो माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। लेकिन याद करने का तरीका सिंपल है, ये साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी पहले आएगा और ये ए माइनस बी आएगा, और यहाँ पे अगर टू कॉस ए आ गया कॉस बी सॉरी साइन बी, तो इस कंडीशन में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी आपने लिखने ही लिखना है। तो यहाँ से आएगा आपका टू साइन ए, इसको आप ब्रेक करेंगे तो आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी लास्ट मतलब सेकेंड टर्म आ रहा है कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ आपने माइनस कर देना है और ये आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस बी। यहाँ पे आपका प्लस वाला साइन कैंसिल हो, यहाँ अगर कॉस ए तो यहाँ माइनस आएगा। तो लॉजिक आप कैसे भी बनाओ पर आपको याद होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है एंगल हम लोग इसी फॉर्मूले को ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। अगर कॉस ए इधर है तो इसको इधर कर देंगे, साइन बी को उधर कर देंगे और एक ही फॉर्मूले से हम काम चला लिया करेंगे, राइट गाइस। तो एक और है हमारा, दैट इज़ ये हमारा टू सपोज कर लो ये हो गया। अब यहाँ कॉस साइन के टर्म है, यहाँ साइन कॉस का है, लेकिन अगर दोनों कॉस के टर्म हो, टू कॉस ए कॉस बी हो, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और अगर दोनों साइन टर्म हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू साइन टर्म हो तो साइन ए साइन बी लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट गाइज। तो इस तरह हम प्रोडक्ट को किस में चेंज कर रहे हैं, एडिशन और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में। और जैसे यहाँ पे था प्रोडक्ट था हमारा क्या था, था हमारा टू साइन थीटा और कॉस टू थीटा था। अब देखो टू साइन ए कॉस बी है तो टू साइन ए कॉस बी यानी फर्स्ट है, तो हम साइन क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो तो ये आगे हमारा क्या, दैट इज साइन थ्री थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज माइनस आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा। तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन हमें आ जाते हैं, राइट गाइस। तो इसको आप देखो यहाँ पे आप वापस अगर देखो तो इसको आप लगाओ साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ आएगा देखो आएगा आपका साइन सी माइनस साइन डी, तो आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू मीन्स थ्री थीटा प्लस थीटा बाई टू, तो कॉस टू थीटा आ गया इनटू आपका आ जाएगा साइन सी माइनस डी दैट इज थ्री थीटा माइनस टू थीटा, टू थीटा डिवाइडेड बाई टू थीटा, राइट गाइस। तो ये साइन थ्री थीटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट को किस में चेंज किया, हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, एडिशन या ऑब्लिक हम सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह हम इन फॉर्मूलों को हम लोग यूज़ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभार उसका भी यूज़ हो जाता है, जैसे कहीं लिखा हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अगर प्रोडक्ट हो ये कॉस का तो जैसे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो ये दो अलग फॉर्मूला है, कभी कभार हम इसका भी यूज़ करते हैं, नहीं तो मैथ्स में तो अक्सर ही यूज़ करते हैं। राइट गाइस, तो यहाँ पे हमने ये एडिशन में ये देखा था, या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, एडिशन यहाँ हम सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग इस तरह हम इन फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ भी सब्ट्रैक्शंस हैं, तो इन फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमारा जो कोफिशियंट है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल का सेम है। अगर ये सेम ना हो, सपोज़ कर लो यहाँ पे कुछ 2 हो जाए, यहाँ पे आपका 3 हो जाए, तब हम किसको एक एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के, देखो आपके कोफिशियंट डिफरेंट है। जैसे हमने लिया वहाँ पे 3 4 ले लें, फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू 3 sin थीटा। थीटा ऑब्वियस है, ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं ज़्यादातर अपने फिजिक्स में। ये हो जाए हमारा 4 cos थीटा, राइट, या sin थीटा हो, cos थीटा हो, कुछ भी हो। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे कंबाइन करते हैं वो देखते हैं। इसमें सिंपल है कि हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लें तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे, दैट इज़ डिवाइड करेंगे, तो ये लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया हमारा ए अपॉन, उसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा तो रहेगा ही, दैट इज़ साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप जिस एक्सप्रेशन में मुझे चाहिए, मान लिया मुझे साइन एक्सप्रेशन में चाहिए, मीन्स साइन थीटा प्लस समथिंग चाहिए, या कॉस थीटा माइनस समथिंग, जिस फॉर्म में चाहिए, साइन में चाहिए या कॉस में, उसके अकॉर्डिंग हम मान लेंगे। यहाँ पे हम मानेंगे अगर कॉस में चाहिए तो मुझे ये साइन मानना पड़ेगा, अगर मुझे साइन में चाहिए तो ये कॉस मानना पड़ेगा। सपोज़ कर लो ये हम कॉस मानते हैं अल्फ़ा, इसको हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा बिका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे कॉस इसलिए मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो ये कॉस अल्फ़ा मानते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारा, आप देखोगे अगर आप ट्रायंगल बनाओ यहाँ से, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक बी हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। तो आप देखो अगर कॉस अल्फ़ा ये हम मानते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसका एडवांटेज हम ले लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, साइन के टर्म में लाना है तो इसको हमने कॉस माना, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन थीटा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे साइन ए प्लस बी, दैट इज़ थीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये हम इस तरह कंबाइन कर लिया, राइट, वेयर अल्फा इज़ क्या हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा इज़ कॉस इनवर्स ऑफ दिस, इस तरह हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट। अब जैसे ये था, अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख ही लें क्या होगा, दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 5। तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, 3/5 साइन थीटा और प्लस 4/5 कॉस थीटा। अगर हम इसको कॉस मान लेते हैं, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा इज़ 3/5, तो अब हम लिख सकते हैं 5 sin थीटा प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज दिस, राइट गाइस। तो इस तरह हम दो पार्ट में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री टूल्स को पढ़ा, मैथमेटिकल टूल को। नेक्स्ट टूल हम देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।
इनको हम कब यूज़ करते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं ये देखेंगे, जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब इनका यूज़ हम करते हैं अपने फिजिक्स में, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम कब यूज़ करेंगे इन दोनों ऑपरेटर को, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिफरेंशिएशन लेंगे और ये देखेंगे डिफरेंशिएशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और उनके कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। राइट गाइस, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।